अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। सोयाबीन की कीमत में चल रहा उतार चढ़ाव का दौर अब थम गया है। सोयाबीन की कीमतें 7,350 रुपए से 7,400 रुपए पर स्थिर हो गई हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि आगे सोयाबीन की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, इसलिए किसान अच्छे से विचार कर सोयाबीन की बिक्री करें। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारतीय किसानों को कुछ फायदा हो सकता है। निर्यात के मकसद से व्यापारी अधिक मात्रा में किसानों से गेहूं की ऊंची कीमतों पर खरीद करेंगे, जिसका सीधा लाभ किसानों को होगा। ग्लोबल इकोनॉमी के सामने क्रूड ऑयल क्राइसिस और बढ़ती महंगाई की दोहरी चुनौती है। हालात को देखते हुए निवेशक सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके कारण सोना चांदी में भयंकर तेजी देखी जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $2,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने खाद्य तेलों के दाम में आग लगा रखी है। रूस यूक्रेन जंग के साथ ही देश में सूरजमुखी के तेल की सप्लाई थम गई है। युद्ध शुरू होने के बाद इसे थोक दाम में $400 प्रति टन की वृद्धि हुई है। वहीं अखिल भारतीय खाद्य तेल के व्यापारी ने भी इस पे अहम जानकारी साझा कर रखी है। विदेशी बाजारों में तेजी के बीच आयाती तेलों के भाव में रिकॉर्ड तेजी आने से बीते सप्ताह देश भर में तेल तिलहन बाजारों में सरसों तेल तिलहन छोड़कर लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव में सुधार दर्शाते हुए ये बंद हुआ है। विदेशी तेलों के दाम पहले ही आसमान छू रहे हैं। सरसों का दाम लगभग 5 से 7 रुपए किलो नीचे आ गया है। कच्चे तेल के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचने के कारण रुपए पर भारी दबाव देखा जा रहा है। रुपए डॉलर के मुकाबले 81 पैसे की भारी गिरावट के साथ 76.98 के स्तर पर खुला, जो रिकॉर्ड स्तर लो है। अच्छा वातावरण के कारण उत्पादन में वृद्धि हुई है। पिछले कुछ दिनों में कृषि विभाग ने उत्पादकों की घोषणा की है। उत्पादन बढ़ने से खुले बाजार में चने की फसल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। खुले बाजार में औसत दर पर 4,500 है। वहीं नेफेड में चने के लिए खरीदी केंद्र पर 5,230 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा की गई है। सोना चांदी में भयंकर तेजी देखी जा रही है। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $2,000 के पार पहुंच चुका है, जो 19 महीने का उच्चतम स्तर पर है, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में यह 53,000 के पार है। वहीं चांदी 70,000 के पार पहुंच गया है। MCX पर चांदी 70,690 रुपए पर ट्रेड कर रही है। वहीं सराफा बाजार में आज चांदी 69,920 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। एक्सपोर्टर्स के अनुसार आने वाले दिनों में चांदी 80,000 तक जा सकती है। रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण खाद्य तेल की आपूर्ति में संभावित व्यवधान की चिंताओं के बीच एडिबल ऑयल इंडस्ट्री ने सरकार को आश्वासन दिया है कि वह अगले 2 महीने के लिए सनफ्लावर ऑयल और अन्य एडिबल ऑयल के तेलों की सुचारू सप्लाई सुनिश्चित करेगी। वहीं पिछले 2 दिनों में एडिबल ऑयल की कीमत में गिरावट का रुख देखा गया है। तो फटाफट खबरों में आज बस इतना ही, और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।